यो मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं नीलकंठ, उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव की मंदिर है, उत्तराखंड बोल रहा हूँ, ऋषिकेश में महादेव की मंदिर है नीलकंठ, वही जा रहे हैं देखने। और अभी है नीर वाटरफॉल वाले रास्ते पे, निकल चुके हैं। सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था, अभी स्टार्ट किया। बस भाई आज के लिए है तो सोचे घूम ले, और बारिश हो रही है यार हल्की हल्की, पकड़ तो एक बार, ऑन है। यू आर सेइंग समथिंग? हेलो दोस्तों, नमस्कार एल्लरिगू, नानु कन्नडिग। ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟ್ರೆಕ್ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೈನಿತಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಇವನು ಯಾವ ಮಾಲ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೀಲ್ಕಂಠ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಶಿಷ್ಠ ಗುಹೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Way to Nilkanth. Look at this beautiful forest. अच्छा, वो तुम हमेशा लगाते हो क्या? हाँ, ये बस वीडियो आएगा. हाँ, तो तुम बात कर रहे थे था वहाँ उस टाइम पे. चलो चलो. सो गाइस, आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर के लिए, और हमें गंगा जी को पार करना है. और ये है वो ब्रिज जहाँ से पार करनी पड़ती है, क्रॉस करनी पड़ती है. नीचे दिखा गंगा जी. गाइस आ चुके हैं नीलकंठ के बाबा के दर्शन करने. और ये गाड़ी चलाया, ऐसा गाड़ी चलाया उड़ाया. की गाड़ी उड़ा दिया पहाड़ के नीचे, लगाया पहाड़ के नीचे गाड़ी हमारी गिर गई. देखिए हमारे खेत और हो रही मंदिर. और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे भगवान शंकर जी ने विष धारण किया था, जब सागर मंथर से विष निकला था यहीं पे धारण किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम है नीलकंठ मंदिर. तो गाइस जा रहे मंदिर में दर्शन करने बाबा नीलकंठ के. पहले बोले चलिए चलो. गाइज हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, और ये मंदिर के प्रांगण में हम लोग मन्नतें मांग रहे हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, जाली में धागा बांधना मना है, लेकिन जाली में ही बांधा गया है. वाह. हर हर महादेव. चलो तो हो गया दर्शन, अब निकल रहे हैं. ये है मेन मंदिर नीलकंठ बाबा की. सो
गाइज आ गए अभी राम झूला यार। बारिश में इतना भीगे, इतना भीगे कि क्या बताएं, बहुत बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और अभी खा रहे हैं कुल्फी, अब भाई करेगा। अरे देना, छोड़ना, अबे अबे लेके भाग जाएगा भाई, लेके भाग जाएगा कैमरा। ये रहे राम झूला, एक्चुअली में ब्रिज है, ब्रिज को राम झूला बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये है राम जी का झूला। सो गाइस अभी हम रहे राम झूला पे, और ये है राम झूला, छोटा सा कैंटिलीवर ब्रिज है। उस साइड है लक्ष्मण झूला, वो है लक्ष्मण झूला सामने वाला। क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज, और आज थोड़ा लग रहा है भीड़ है, संडे है ना इसलिए ज्यादा ही भीड़ है। क्या गजब हवा चल रही है बाप, बहुत ज्यादा हवा चल रही है भाई, ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी क्यों लग रही है। सो क्रॉस कर गए ये ब्रिज, और मस्त लग रही है यार, गंगा के बीच में ब्रिज, और हवा भी चल रहा है बहुत स्पीड में। यहाँ से वैसे बैरिकेड लगाया हुआ, कोई गाड़ी ना आ जाए। राम झूला, तो गाइज हम अपोजिट साइड है, वो साइड में ऋषिकेश से उधर से होते हुए आए हैं, और ये राम झूला आप देख सकते हैं। अभी लक्ष्मण झूला पे काम चल रही है, नहीं तो उधर भी जाते, उधर नहीं जा पाए, और भाई का बस है तो निकल जाएंगे अब बस, आज इतना ही घूमेंगे। सोच रहे आरती भी चले जाए, आज फिर से आरती देखने के लिए जाएंगे। ये फोटोग्राफी में थोड़ा सा बिजी है, भाई को शौक है फोटोग्राफी का, हमें नहीं है, हमारी शक्ल ही उतनी अच्छी नहीं है कि फोटोग्राफी ले, फोटोज क्लिक करें। और बाकी तो बस यही है ऋषिकेश। चलो गाइस बस आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल क्या करते हैं। What a song, baby song by Norvex, sound DJ Max. Yo, yo, what about Chanji?